लेता है पकड़ लगा। हमारा तो कहना यह है कि जिस प्रकार की घोषणाएं अखबारों में आज दिन तक देखने को मिली, उस हिसाब से तो नंदीशाला का निर्माण नगर परिषद को करना चाहिए। या तो अखबार झूठा छापते हैं, या तो अखबार झूठा छाप रहा है उस चीज को। अगर उसने कुछ किया है या घोषणाएं हुई है, सारी बातें हुई है, आवंटन वगैरह हो चुका है, जिला कलेक्टर ने इस चीज को कह दिया है, सारी बातें हो चुकी है, फिर नंदीशाला के निर्माण में अतिक्रमण आप हटा चुके हैं, नगर परिषद के माध्यम से अपना कब्जा ले चुके हैं, नगर परिषद ने अपना बोर्ड लगा दिया, जब वहाँ आपका कब्जा हो चुका तो आप निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ नहीं करना चाहते हैं? आपके साथ ऐसी क्या विडंबना है जिस कारण से आप वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहते? हाँ, रहा गोभक्तों का सवाल, गोभक्तों ने 3 बार अपनी मांग उठाई है, 3 बार से शुरू से मांग उठाते आ रहे हैं। पहले कायन हाउस के लिए मांग की, उसमें भी असफलता मिली, आवंटन भी हुआ, सब कुछ हुआ, 5 लाख रुपया अशोक डोगरा जी ने भी दिया, सब कुछ किया, बहुत सुंदर, परंतु उसके बाद ढाक के वही 3 पार्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हुआ कि सिलोर रोड पे कोई जमीन है, उस जमीन का भी आवंटन हुआ, वहाँ पे भी सारा काम हुआ, पर वही वापिस दोबारा वापिस रोका, वही ये 3री बार स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि नंदीशाला के नाम 70 बीघा जमीन जो भी है, जो भी बात 28 बीघा करीब है, जो आवंटन करने के बाद में आप सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद में भी आप इस चीज को कर रहे हैं। नगर परिषद अपनी घोषणाएं कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि चौराहों पर जाके मालाएं पहन रहे हैं घोषणाओं के साथ में, फिर भी आप उसको नीच करना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई लोचा जरूर नजर आता है। क्या लोचा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो लोचा यही है कि चुनाव आ गए, ये चाहते हैं कि हम चुनाव घोषणाओं के साथ में इसको पूरा करें, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको इतना 1 महीना हो गया घोषणा किए हुए, सारी बात किए हुए, उसके बावजूद आप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो फिर इस आंदोलन को एक उग्र रूप देना पड़ेगा, इसको वो आंदोलन बनाना पड़ेगा जहाँ एक गाय माता की अस्मिता का सवाल पैदा हो जाता है, और हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए आवश्यक है। आज की तारीख में गोपाल गोसेवा संस्थान द्वारा जो धरना है उसको समर्थन नहीं, हमारी पूरी आहुति है कि हम नंदीशाला के लिए जब भी याद करेंगे या गोमाता के लिए जब भी याद करेंगे, हम सहर्ष उपस्थित होंगे, कंधा से कंधा मिलाकर इन सभी भाइयों का पूर्ण सहयोग करेंगे। जय गोमाता। क्या आपको लगता है जो पूर्व में जो जमीन आवंटित हुई थी नगर में गोशाला नंदीशाला बनाने के लिए, इसमें अभी भी कब्जा हो गया, कब्जा है तो क्या इसमें भी क्या नगर परिषद कब्जा करवाना चाहती है? मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है, और ये लगा कि उसमें तहसीलदार जी ने भी उसको शायद अतिक्रमण को हटाने का आदेश कर चुके हैं, बेदखल करने का आदेश कर चुके हैं, और जिला कलेक्टर ने भी शायद कुछ उस पर एक्शन लिया है, परंतु कुछ राजनीतिक दबाव या जो भी माने हम लोग, क्योंकि बूंदी को भी हम राजनीति में बरसों से देखते आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। वो सारी बातें वही है, या तो हम इसको ये मान लें कि नगर परिषद गो सेवा संस्थान द्वारा आवंटित कराई गई जमीनों को अपने पक्ष में लेकर अन्य योजनाओं में काम लेने की कोई योजना इनकी बनी हो तो वो बात अलग है। नाम तो छोटा सा है, सर्वदमन शर्मा है।
दायित्व तो खाली सोशल वर्किंग मानता हूँ मैं अपना। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। हम इस धरने का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मैं कई बार जब यहाँ से गुजरता हूँ तो कई बार शर्मिंदगी सी महसूस करता हूँ अपने आप में कि इतना बड़ा बूंदी का क्षेत्र है, इतने लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ पर इतने जो राजनेता बनते हैं ना, उनमें से एक का भी यहाँ पर आकर खुले रूप से समर्थन मैंने नहीं देखा। और अपने आप की भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम केवल अपने काम से काम रखते हुए देखते हुए निकल जाते हैं, पर यहाँ आकर इस आंदोलन का हमने कभी आगे समर्थन नहीं किया। आज मैं राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का जिलाध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण हमारे अध्यक्ष मंच की तरफ से इस धरने को समर्थन प्रदान करता हूँ। और इस संदर्भ में मैंने पहले भी जो राजस्थान का पहला मुकदमा किया नगर परिषद के खिलाफ, उसमें भी एक मेरा मातृ मित्र था जो इस दुर्घटना में घायल एक्सपायर हो गया बाद में उसकी मृत्यु के कारण। 23,62,500 रुपये मैंने नगर परिषद से क्षतिपूर्ति राशि अवार्ड करवाई थी और यह राशि लगभग 54 लाख तक मेरे अभी हाईकोर्ट में चल रहा है ये वाला मुकदमा, तो आधी राशि तो उनको प्राप्त हो चुकी है, अभी आधी राशि बची हुई है। इसको मेरा 54 लाख रुपये तक ले जाने का पूरा प्रोग्राम है सब। तो मैंने ये देखा है केवल इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जनहानि होती है इसकी वजह से, अपनी जो गौमाता है, जो गोवंश है, उनका भी एक तरह से उनका अपना भी दायित्व बनता है कि उनकी भी साथ संभाल हो, वो भी दुर्घटना में कई बार घायल हो जाते हैं इस वजह से। तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नगर परिषद का पूर्ण रूप से दायित्व है कि गौमाता के साथ साथ जो गोवंश है उनकी भी रक्षा करें और ये जान माल की जो हानि होती है इनका संपूर्ण रूप से जो उत्तरदायित्व नगर परिषद बूंदी का है, तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए इस तरह के प्रकरणों में, जब जाके इनमें जागृति आएगी, वरना जागृति खत्म हो जाएगी। ये कुछ राजनीतिक प्रेशर भी हो सकते हैं, इसकी तो खैर मुझे जानकारी नहीं है और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस बारे में, मुझे जानकारी भी नहीं है और अगर जानकारी होती तो मैं स्पष्ट रूप से खुले रूप से बोल भी देता, इसमें कोई भय वाली बात नहीं है कि भाई मैं उसे भय से नहीं बोल रहा हूँ, पर बाकी मुझे इस बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं। पर यह ज़रूर है कि राजनीतिक प्रेशर और ज़मीन जो बेशकीमती है उसको लोग हड़पना चाहते हैं, इस मकसद से नंदीशाला का उत्थान समर्थन है। गोवंश हमारे पूजनीय है, ये आवारा नहीं है, हमने इनको बेसहारा बना के आवारा बना दिया है, इनको उचित संरक्षण और आश्रय की आवश्यकता है। आज ये शहर में संरक्षण के अभाव में और सहारे के अभाव में घूम रहे हैं जो जनजीवन के लिए घातक हो गए हैं, इनसे आए दिन दुर्घटना होती है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है और मैं नगर परिषद से भी ये मांग करता हूँ कि वो तुरंत ही गौशालाएँ की नंदीशालाओं का निर्माण कराकर इन्हें वहाँ पर संरक्षण प्रदान करें ताकि ये जनजीवन के लिए भी घातक नहीं हो और ये अपने स्वयं के लिए भी घातक नहीं हो। ये क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन है। गोदर वो माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वो माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वो माता का नाम रहेगा। एक दो तीन चार वो माता की जय जयकार। एक दो तीन नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर दो पक्ष पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे, आप आए हो क्या कहने? मीडिया और पेपर के माध्यम से हमें पता लगा कि 12-13 दिन से गौसेवक धरने पे बैठे हैं। जो इनकी मांग है गायों के लेके, क्योंकि आए दिन रोड पे गायों का एक्सीडेंट होना, गायों का मरना और आदमियों का भी चोटिल होना, तो ये मांग जायज मांग है इनकी। हम पूरी भलाई समाज सेवा संस्थान कार्यकारिणी इनका तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं और अंतिम क्षणों तक इनके साथ रहेंगे। पलको माता की मांग नहीं मानी गई और अगर आंदोलन होता है बड़ा तो आपका क्या इसमें रहेगी रुकेगा? हम फुल हमारी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सभी को लेकर के जो भी पुरजोर से जो भी होगा, चाहे रोड जाम करना पड़े,
अन्य जो भी गतिविधियां होगी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। नगर परिषद होश में हो। रामराज बलाई, जिलाध्यक्ष बलाई समाज सेवा संस्थान, जिला बूंदी। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम महावीर मेघवाल है, मैं पेशे से वकील हूँ और बलाई समाज सेवा संस्थान का मैं सचिव हूँ, जिला सचिव हूँ। मुझे आप लोगों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली उसके अनुसार हम लोग सब कार्यकारिणी यहाँ आए हैं और हम सब इनका समर्थन करते हैं। तन मन धन जो भी होगा, आगे जो भी गतिविधियाँ होगी उसमें हम इनके जो भी ये इनके तरफ निर्देश आएंगे उनका पूरा पालन करेंगे और जो भी हमसे हो सकता है वो सब संभव प्रयास करेंगे। अगर गोपाल संस्थान आंदोलन की राह पर जाता है, इनकी मांगे नहीं मानी जाती, तो आपका जी हम इनके साथ रहेंगे, जो भी इनके निर्देश होंगे उनकी पूरी पालना करेंगे। यदि किसी प्रकार की गतिविधि में कोई भी करना पड़ा, किसी भी प्रकार से करना पड़ा, चाहे तन से, मन से, धन से, तो उस लेकर हम सब तैयार हैं। हमारे तरफ से पूरा पूर्ण सहयोग रहेगा, हमारी पूरी कार्यकारिणी इसका पूरा सहयोग करेगी। आगामी दिनों में चुनाव भी है, अगर चुनाव से पहले नंदीशाला निर्माण नहीं होती तो फोटो का बहिष्कार भी करेंगे? बिल्कुल सर, जो भी करना पड़ेगा, जो भी इस कार्यक्रम के लिए हमको यथाशक्ति करना पड़ेगा वो सब पूरा प्रयास हम पूरे कार्यकारिणी करेंगे। मैं अकेला ही नहीं, मेरे पीछे जो पूरी कार्यकारिणी है, बलाई समाज पूरा है, पूरी बूंदी जिले का जो बलाई समाज है वो सब इस ये पुण्य कार्य है, ये किसी के हित का कार्य नहीं, ये पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य में आओ देने का अधिकार सबको है, उसमें हम भी सहयोग करता है। सरकार का विरोध करोगे फिर? अगर बिल्कुल करना पड़ेगा करेंगे सर, क्योंकि गाय को मादा मानते हो तो करना ही पड़ेगा। मतलब मत मानो फिर गाय को मादा, छोड़ दो किसी बात। धन्यवाद। जय हो गो माता की। जय जयकार। जय माता। गो माता की। जय जयकार। गो माता। तेरा मेरा वो मन है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।